शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा, विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। सदन में जमकर नारेबाजी की। सीएम योगी ने सत्र को संबोधित कर करारा वार्ड किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा, पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, प्रदेश में पहले दंगे होते थे, वोट बैंक बनाकर छला जाता था, बीते 5 सालों में विकास हुआ। लखनऊ में सदन की कार्यवाही को सभा विधायक अतुल प्रधान ने किया फेसबुक लाइव। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जताई नाराजगी, मामले को सदन की गरिमा के विपरीत बताया। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान स्कूली बच्चों को भी सदन की कार्यवाही देखने का मौका मिला। दर्शक दीर्घा से बच्चों ने सदन की कार्यवाही देखी। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा में सपा विधायक के तौर पर शिवपाल यादव हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अगले सत्र से पहले हो सकती है घोषणा। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में ईडी ने तेज की जांच, जल्द ही बड़ी संख्या में परियोजना के ठेकेदारों पर कसेगा शिकंजा। लखीमपुर हिंसा में आरोपी पर चार्ज फ्रेम, आशीष मिश्रा समेत 13 मुख्य आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की भी धारा। 16 दिसंबर को होगी गवाहों की पेशी। विवादित ढांचा गिराए जाने की 30वीं बरसी पर यूपी में जगह जगह अलर्ट। रामनगरी, अयोध्या, मथुरा और अयोध्या की सुरक्षा की गई सख्त, सीसीटीवी से रखी जा रही निगरानी। मथुरा में शाही ईदगाह के पास सुंदरकांड का पाठ करने के प्रयास में एक गिरफ्तार। मथुरा में अब तक 10 से ज्यादा लोग हिरासत में। मथुरा में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई दोपहर की नमाज। ईदगाह के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात, सुरक्षा व्यवस्था के बीच शाही ईदगाह में पढ़ी गई नमाज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने श्रद्धांजलि दी, कहा देश उनका सदा आभारी रहेगा। बाबा साहब भारत का नाम देश दुनिया में रोशन किया। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम, सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर आई सामने। चंपत राय ने आकार लेते राम मंदिर की तस्वीर को जारी किया। राम मंदिर निर्माण में लगाए जा रहे 20 फीट ऊंचे स्तंभ, राम मंदिर के प्रथम तल में 166 स्तंभ लगाए जाएंगे। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से शातिर बदमाश जीशान घायल। 2 दिन पहले गुलावट्टी में सीरिया से भरा ट्रक लूटा था। अमरोहा जनपद में गजरोला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पैर में गोली मारकर 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने खेमचंद पशु चोरी कर ले जा रहा था। हरदोई लखनऊ राजमार्ग पर हादसा, डिवाइडर से टकराई पुलिस की गाड़ी, चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मी घायल। वादी को कोर्ट में बयान दर्ज करा लौट रही थी पुलिस। नोएडा में कार ने मारी स्कूटी सवार युवती को टक्कर, रोड रेसिंग के दौरान कार की टक्कर से युवती की मौत। कार ड्राइवर सड़क पर कर रहा था स्टंट, पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। फैसलाबाद में सागर चौक के पास दुकानों में लगी आग, देर रात लगी आग से मच गया था हड़कंप। दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू, विजयनगर थाना इलाके का मामला। कानपुर में प्रशासन की भू माफियाओं पर कार्रवाई, तालाब की जमीन पर चलाया बुलडोजर। छात्र की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों का हंगामा। 5 दिन पहले दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर घायल मिला था छात्र, उपचार के दौरान हुई मौत, परिजनों ने छात्र की हत्या की जताई आशंका। कानपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत नालों की सफाई करेंगे रोबोट। नोएडा में डॉग बाइटिंग का एक और मामला आया सामने। राह चलते व्यक्ति पर आवारा कुत्तों के झुंड ने किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में वन विभाग ने देसी जड़ी बूटियों की दुकान पर छापेमारी की, दुकान से वन्य जीवों के प्रतिबंधित अंके बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर में आर्मी का टैंकर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया, टैंकर में सवार 3 जवान घायल। दानापुर से दिल्ली जा रहा था आर्मी टैंकर। आगरा में दिव्यांग छात्रों ने विद्यालय की 3वीं मंजिल से लगाई छलांग, घायल छात्रों को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत में बाइक और स्कूटी की भिड़ंत, हादसे के बाद स्कूटी सवार मां बेटे बाइक सवार पर बुरी तरह से टूट पड़े। जूते चप्पल लात घूसों से जमकर पिटाई की गई। आगरा में बाइक टकराने पर चाकू से हमला करने पर पीड़ित की कट गई उंगली। एमएम गेट पुलिस ने मौके से 3 लोगों को दबोचा। देवरिया में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, दुकान के सामने से चोर ने बाइक चोरी की। बलरामपुर में तेंदुए के हमले से एक बच्ची की मौत, वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। उन्नाव में किसान से 2 लाख की लूट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ।
संभल में 4 दिन पहले लापता जनसेवा केंद्र संचालक युवक की हत्या, जंगल में बंद पड़े ईंट भट्टे से युवक का शव बरामद। बलरामपुर में आवारा कुत्तों ने 12 साल के इम्तियाज पर किया हमला, इम्तियाज को बुरी तरह से काटकर घायल किया। अलीगढ़ के बिशनपुर गांव में सिंचाई विभाग की लापरवाही, बंबा की पटरी कटने से सैकड़ों बीघा आलू और गेहूं की फसल हुई बर्बाद। अहमदाबाद में जामा मस्जिद के मौलाना के बयान पर साधु संत नाराज, अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के नाराजगी जाहिर की। मेरठ में फिल्मी स्टार में महिला की मौत और हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने कब्र से लाश खोद कर निकाली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि की गई। आगरा में चोरी की बड़ी वारदात, सराफा कारोबारी के घर में 25 लाख की चोरी, नाई की मंडी थाना क्षेत्र का मामला। राज्य में टॉप 10 माफिया, गब्बर सिंह के सीज होटल का पुनर्मूल्यांकन करने पहुंची जिला प्रशासन की टीम। बागपत में छात्र की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों का कोतवाली में हंगामा, इलाज के दौरान हुई थी मौत। अलीगढ़ में 7 साल पहले मृत हुई किशोरी हाथरस से बरामद, पुलिस ने डीएनए के लिए कोर्ट में पेश की। बहराइच में सड़क पर पड़ी मिली अधेड़ की लाश, पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में निर्माणाधीन डायवर्जन पर पलटी कंबाइंड मशीन, लखीमपुर बहराइच मार्ग की घटना। औरैया में प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर युवती ने आत्महत्या की, छात्रा ने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया था। सीतापुर में मौलाना की पीएम और सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामला, हिंदू शेर सेना संगठन ने मुकदमा दर्ज कराया। बहराइच में एक युवक की 4 दबंगों ने जमकर पिटाई की, युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, थाना बोर्डिंग क्षेत्र के कनेरा गांव की घटना। रायबरेली पुलिस छात्रा के लिए जीवनदायिनी बनी, पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान छात्रा को गंगा नदी में छलांग लगाने से रोका। बहराइच में बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की गई जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी, कोतवाली नानापारा क्षेत्र की घटना। कानपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 22 खेलों का दिया जाएगा प्रशिक्षण, 9 दिसंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। चंदौल में युवक का पड़ोस के गांव के तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, 3 दिसंबर को परिजनों ने सैयद राजा थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी। मेरठ में जामो की मित्र पुलिस पर युवक को अपराधी बनाने का आरोप लगाया, साइकिल चोरी में जेल भेजे गए युवक के परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप, पुलिस ने युवक का साइकिल चोरी के आरोप में जबरन कर दिया चला। आगरा में कमिश्नर कार्यालय के हवालात पहुंचा आरोपी ब्रजेश उर्फ बिज्जू के खिलाफ दर्ज है मुकदमा, खेरागढ़ के पड़पड़गंज का रहने वाला है आरोपी। फरासगंज की पुलिस ने सराहनीय पहल की शुरुआत की, जनपद की पुलिस अब गरीब बेसहारा और अपने बच्चों से दूर लाचार बुजुर्गों का हालचाल लेने उनके घर पहुंचेगी। इटावा कलेक्ट्रेट में आज ब्राह्मण समाज महासभा ने जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली में ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखे जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। आगरा में भाजपा ब्रज क्षेत्र अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री किशोर कुमार द्वारा क्षेत्र में होर्डिंग लगाए गए और कैलेंडर भी लगाए गए जिसमें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जनता को बधाई दी गई। सपा नेता के दबंगई से परेशान किसान डीएम कार्यालय पहुंचा जहां पर उसने डीएम से गुहार लगाई कि उसे मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए। रायबरेली पुलिस ने जिले में अपराधों पर नियंत्रण के लिए अनोखा तरीका निकाला, पुलिस ने पूरे जिले को अभेद्य किले में तब्दील करने की कोशिश की, जिले भर में दूसरे जनपदों से जिले में प्रवेश स्थलों को चिन्हित कर यहां जिगजैग बैरिकेडिंग के अलावा सीसीटीवी भी लगाए। कासगंज में प्रसूता की मौत पर मृतकों के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा काटा। कौशाम्बी जिले में कोखराज थाना क्षेत्र के दशरथपुर गांव में बाइक सवार चचेरे भाइयों को गिरसा मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। चित्रकूट पुलिस को बड़ी सफलता मिली जहां पर सरधुआ थाना पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 4 चोरों को लमियारी से गिरफ्तार कर कब्जे से 1 स्कूटी समेत 14 बाइक बरामद की। मुख्यमंत्री धामी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम धामी ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस पर होमगार्ड कर्मियों को सम्मानित किया। गुजरात और हिमाचल चुनाव के एग्जिट पोल से बीजेपी उत्साहित, सीएम धामी का कहना है चुनाव के नतीजे और भी ज्यादा बेहतर होंगे। बागपत में मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, ग्रामीणों ने जल्द समस्याओं का निदान नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी अधिकारियों को दी। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की सौगात, साथ ही जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना।
पौड़ी जिले के चोमासुगाड़ में भालू के हमले से नेपाली युवा घर, घास लेने गया था युवा। उत्तराखंड में स्पा सेंटर के लिए तैयार होगी गाइडलाइन, रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जाएगा। राज्य महिला आयोग की तरफ से शासन को गाइडलाइन का प्रारूप भेजा गया। श्रीनगर पुलिस ने 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया, 1,30,000 की स्मैक बरामद। हल्द्वानी में काठगोदाम हेड़ा खान मार्ग 14 नवंबर से क्षतिग्रस्त, तो दुल्हन को लेने 5 किलोमीटर पैदल निकला दुल्हा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सांकेतिक उपवास रखा। बागेश्वर के धारी डोबा गांव में 2 युवक आग सेकने के दौरान झुलस गए, तत्काल दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। G20 की अध्यक्षता पर चर्चा के लिए पीएम ने बुलाई बैठक, बैठक में कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। पुण्यतिथि पर भीमराव अंबेडकर को देश कर रहा याद, परिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, आज झालावाड़ के संकुल से यात्रा शुरू हुई। सी मीडिया बार के एग्जिट पोल में बीजेपी को गुजरात में बड़ी जीत का अनुमान, 110-125 मिलने की उम्मीद। कांग्रेस के खेतों में जा सकते हैं, कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं कई वोट। हिमाचल चुनावों के एग्जिट पोल में बीजेपी की वापसी का अनुमान, 35-44 सीटों पर खेल सकता है कमल, कांग्रेस को 20-25 सीटें मिलने की उम्मीद। एमसीडी चुनावों में बीजेपी को लग सकता है झटका, एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी 134-146 सीटें मिलने का अनुमान, 82-94 सीटों के बीच रह जाएगी बीजेपी। एग्जिट पोल को लेकर कहीं पर खुशी कहीं पर गम, बीजेपी का दावा रिकॉर्ड जीत के साथ गुजरात में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, माफी चाहेंगे गुजरात में सरकार बनेगी, आप बोले एग्जिट पोल गलत है, हम बना रहे हैं सरकार। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने एग्जिट पोल को सिरे से नकारा, कहा दिल्ली की जनता कांग्रेस पर करती है दिल से भरोसा। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।